बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन, मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फरगुजरांवाला। इस समय मैं मौजूद हूं गोंदावाला रोड पर, जहां पे आप मेरी बैग पे देख सकते हैं पुलिस की बहुत बड़ी पुलिस की बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत सी तादाद में पुलिस को यहाँ पर इकट्ठा करके एक छापा मारा गया है, जिसमें हमें जहाँ तक खबर मिली है कि पुलिस की बहुत भारी नफरी जिन्होंने यहाँ पे छापा मारा है, इसमें उन्होंने यहाँ पे डकैत गैंग है जो एक जिसका नाम फाहद बताया जा रहा है और उसके एक साथी को पकड़ने के लिए यहाँ पर छापा मारा गया है। उसमें से एक उसका साथी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको थाना मॉडल टाउन की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी एक पुलिस की बहुत भारी नफरी जो यहाँ पर नूर बाबा के अंदर मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे रेड की है और यहाँ पे रेड के दौरान उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बदनामे जमाना डकैत जिसको फाहद और फादी का नाम दिया गया है, और यहाँ पे ये पुलिस की नफरी में जिन जहाँ जो सिटी एसपी सिटी है जो गुजरांवाला और उनके साथ एसपी सदर गुजरांवाला और इसके अलावा डीएसपी मॉडल टाउन, उसके अलावा एसएचओ मॉडल टाउन और एसएचओ दुल्ले के अलावा अलीपुर और इसके अलावा यहाँ हैदर कोर्ट और अलीपुर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जहाँ पे इन्होंने ये छापा मारा है और इनको यहाँ पे कौन सी चीज़ रिकवर की गई है और इसको यहाँ पे किस तरह से कौन कौन से लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे एसपी मॉडल टाउन एसपी सिटी से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे हम ये जान सकें कि किस चीज़ के लिए जिस डकैत के लिए यहाँ पर छापा मारा गया था, क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको पुलिस को इतनी कामयाबी जो मिल सकी है या नहीं मिल सकी, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने यहाँ पर जो छापा मारा है इसमें जो कितने लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और कितने लोग हैं जो यहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। और हमें जहाँ तक ये खबर मिली थी कि पुलिस की ये नफरी है जो इन्होंने जहाँ पे रेड की थी वो नूर बाबा का जो कि मोहल्ला नूर बाबा गोंदावाला रोड पर वाक़ है, इसके मीनार वाली मस्जिद के करीब एक डकैत है जिसके घर में ये रेड की गई थी और यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया था। इसमें जो रेड के दौरान पुलिस की नफरी जिसको लीड करते हुए एसपी सिटी, एसपी सदर, डीएसपी मॉडल टाउन के अलावा डीएसपी एसएचओ मॉडल टाउन भी मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पर रेड की। हम जानने की कोशिश करेंगे, एसएचओ मॉडल टाउन हमारे साथ मौजूद है कि मैं नया बोल से हूँ, ये बताइएगा कि आपने जो रेड किया है यहाँ पे जो डकैत आपने गिरफ्तार किए हैं इनमें से कितने लोग हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया है? देख रहे हैं अभी हमें कोई मिला नहीं, कोई रिकवर नहीं हुआ। एक जो तौसीफ नामी लड़का सुना है आपने गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके अलावा जिसको पकड़ने के लिए फहद नामी लड़का था आए थे वो भागने में कामयाब हो गया यहाँ, और हमें जहाँ तक थोड़ी बहुत खबर मिली थी कि उसके साथ तो पुलिस का जवान है, क्या ऐसी खबर दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। नादिन, ये आपके सामने एसएचओ मॉडल टाउन थे जिनसे हमने ये बात जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम क्या है और जिसके लिए ये रेड की गई थी क्या उसको आप पकड़ सके हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी अमल में आ सकी है? तो उन्होंने इस बारे में इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक जगह जो हमें खबर मिली है जिसको गिरफ्तार करके थाना मॉडल टाउन में मुंतकिल किया गया है उसका नाम तौसीफ बताया जाता है, और इसके अलावा जो अभी इन्होंने एक शख्स यहां से गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में ये बिल्कुल हम आपको बताने से कासिर हैं, जबकि एसएचओ मॉडल टाउन ने इस बारे में हमें खबर देने से और इस बात की तस्दीक करने से इनकार किया है। जी बहुत शुक्रिया।